वेलकम बैक स्टूडेंट। प्रोबेबिलिटी का 15th लेक्चर जिसमें हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 12 से। आप स्टूडेंट्स को पता ही है कि प्रीवियस लेक्चर में भी हमने इसी टाइप के क्वेश्चन किए थे, 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, यानी सेक्शन बी लेक्चर नंबर 13 और 14 नहीं देखा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा प्लेलिस्ट से पहले वो लेक्चर्स को देखो और फिर इस लेक्चर को देखो फ्लो में। देन इट विल बी वेरी इजी और एक पूरी लिंक बनी हुई रहेगी, सेक्शन बी लेक्चर 13 14 और फिर ये लेक्चर नंबर 15 आपको देखना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 12 के साथ। मैंने क्वेश्चन 12 13 14 15 का शॉर्ट में गिवन डेटा लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमें फाइंड करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और देके रखा है पी ऑफ ए पी ऑफ बी और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 15 पहले हम ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट क्वेश्चन है, दोनों में एक ही जैसी मेथड है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम्स में। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह दे रहे हो एक्सटर्नल, तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि इसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला आपके पास नहीं है। तो सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, क्वेश्चन 12 में आपको क्या पूछा है? फाइंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो याद रखो स्टूडेंट, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे आपको यहाँ पे क्या पूछा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्वेश्चन 15 में आपको क्या पूछा है? पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। सो ऑलवेज रिमेम्बर कॉम्प्लीमेंट्री थियरम के 1 माइनस इसका उल्टा कर दो। पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या है? इट इज 1 माइनस अपोजिट ऑफ इट। अपोजिट ऑफ इट यानी ए डैश का उल्टा ए, इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन, बी डैश का उल्टा बी। बन गई फॉर्मूला, है ना? जैसे आपने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज पी ऑफ ए? 1 माइनस ए का उल्टा ए डैश, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। पी ऑफ ए इज 1 माइनस पी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। वैसे ही पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा? 1 माइनस इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी उल्टा कर देगा। इन द सेम मेजर इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी? 1 माइनस पी ऑफ ए डैश का अपोजिट करो ए, यूनियन का इंटरसेक्शन बी डैश का बी। सो दिस फॉर्मूला वी विल यूज इन क्वेश्चन 12, दिस फॉर्मूला वी विल यूज इन क्वेश्चन नंबर 15। दोनों को साथ में सॉल्व करते हैं। पहले 12 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आप अपनी जो भी टेक्स्ट बुक है वहां पे हिंट लिख लो, ये बात, ये हिंट लिख दो और यहाँ अल्टीमेटली आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा? पहले यू हैव टू फाइंड फर्स्ट ए यूनियन बी। यहां आपको अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है? पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हमारा मेन मकसद हो गया ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी मिल गया, आप यहां वैल्यू डालो, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इट्स वेरी इजी। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट ए यूनियन बी विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा इन अवर क्वेश्चन नंबर 12। ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी की तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है। वी आर हैविंग सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज पी ऑफ ए यूनियन बी? ए यूनियन बी इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो, पी ऑफ ए कितना है? 1/3। पी ऑफ बी कितना है? 2/3 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/6। इसका आप एलसीएम निकाल लो, एलसीएम होगा 6। तो इसको 6 बनाने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और ये तो खुद 6 है ना, मैंने सिर्फ एलसीएम निकाला। तो पी ऑफ ए यूनियन बी आया 5/6। अब हम ये फाइंड करते हैं। मैंने अभी बताया कैसे फॉर्मूला बनाई हमने, पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज 1 माइनस पी ऑफ ए डैश का उल्टा ए, इंटरसेक्शन का उल्टा यू और ये बी। सो 1 माइनस 5/6 दैट इज 1/6 इज योर आंसर। क्वेश्चन 12 कंप्लीट। क्वेश्चन बड़ा इजी था, बट कैसे उसको सॉल्व करना लॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका लॉजिक क्लियर नहीं होगा ना, कई स्टूडेंट्स का प्रोबेबिलिटी के टफेस्ट टफ में टफ क्वेश्चन होता है ना, वो सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वो भूखे हुए होते हैं। फॉर्मूला बैठी डाली आ गया, पार्ट वन में बड़े बड़े 5 मार्क के क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाते हैं। बट सर दिक्कत यहाँ आती है छोटे क्वेश्चन में। यस, आएगी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे, क्योंकि ये क्वेश्चन वही सॉल्व करेगा, उन्हीं को अच्छे से आएंगे जिनके कंसेप्ट क्लियर है। ओके, चलो क्वेश्चन 12 का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर क्वेश्चन नंबर 15 रीड कर लो। 15 भी बड़ा इजी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 से एक स्टेप हायर लेवल थिंकिंग है। देखते हैं कैसे।
मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन 15 में भी अल्टीमेटली आपको पहले क्या ढूंढना है, ए इंटरसेक्शन बी। अरे सर ए इंटरसेक्शन बी तो बहुत इजीली मिल जाएगा, कैसे? पी ऑफ ए पता है, पी ऑफ बी पता है, ए यूनियन बी पता है, तो ये तो बड़े इजीली मिलेगा। बट पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और ए यूनियन बी डायरेक्टली नहीं दिया है, रेशियो में दिया हुआ है। तो देखो जब भी ऐसे देते ना इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, यहां पे हमें दिया है 5 टाइम्स पी ऑफ ए इज 3 टाइम्स पी ऑफ बी, 2 टाइम्स पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/2। तो आप कोई भी दो चीज को कंपेयर कर सकते हो, दिस इज इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, चारों एक दूसरे को इक्वल है। तो आप कोई भी दो को कंपेयर करो, देखो यहां पे 3/2 है तो 3/2 से सबको कंपेयर करते जाओ। चलो पहले कंपेयर करते हैं पी ऑफ ए से, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 15। पी ऑफ ए क्या है हमारा, 5 टाइम्स पी ऑफ ए इज इक्वल टू, इस चीज को हमने इससे कंपेयर कराया 3/2, तो यहां से आपको मिल गया पी ऑफ ए कितना आएगा स्टूडेंट, पी ऑफ ए 5 नीचे आएगा तो 3/5 इन द सेम वे। अब हम इसको और इसको कंपेयर करते हैं, चलो क्या कंपैरिजन होगा, 3 टाइम्स पी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3/2, देयरफॉर पी ऑफ बी कितना आएगा, अब यहां 3 को लात मत मारो, ओवरऑल ही सोचो, ये 3 कट, ये 3, 3 न्यूमरेटर न्यूमरेटर कट, डायरेक्टली क्या मिला 1/2, और फिर 2 टाइम्स पी ऑफ ए यूनियन बी इट विल बी इक्वल्स टू 3/2, 2 कट मत करना, 2 यहां डिवाइड में आएगा और आपका आंसर आएगा पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/6। हाँ ये हो गया, अब फाइंड करो ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया है, अभी फिर से सिखाऊंगा, इंटरसेक्शन में भी यूनियन की ही फॉर्मूला लगानी है, पी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी याद है ना हमने क्वेश्चन 12 में भी एक फॉर्मूला लगाई थी, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 15 में इंटरसेक्शन ढूंढना है तो अदली बदली कर दो, यूनियन का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का यूनियन। एक्चुअली मैंने किया क्या, यहां इंटरसेक्शन था ना उसको इधर ले आया और यहां यूनियन था उसको उधर ले आया, तो इंटरसेक्शन जो माइनस में था इधर आया तो प्लस हो गया और यूनियन जो प्लस में था वो माइनस। तो हमेशा ए यूनियन बी की एक ही फॉर्मूला याद रखो, ए यूनियन बी इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर इंटरसेक्शन ढूंढना है तो अदली बदली कर दो, चलो इज इक्वल टू, अब तो सब पता है आपको, पी ऑफ ए कितना है 3/10 प्लस पी ऑफ बी कितना है 1/2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 3/6। अब यहां पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 10 है, ये 1/2 है। अच्छा आप इसको क्या कर सकते हो, कैसी से भी पूरा सॉल्व कर सकते हो, कैसी से करोगे तो इजीली आंसर आ जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके लेट अस जस्ट वंस अगेन टैली कि हमने यहां भी कुछ मिस्टेक नहीं किया ना, 5 टाइम्स पी ऑफ ए इज 3/2, देयरफॉर पी ऑफ ए इज 3/10, दैट्स करेक्ट, 3 टाइम्स पी ऑफ बी इज 3/2, तो पी ऑफ बी इज 1/2, then 2 times a union b is 3/2, so we get over here 2 2's are 4, देखो mistake आ गई, यहाँ मुझे लगा है कि भाई कुछ तो लोचा है, ये 10 नहीं आना चाहिए, ये 2 और 2, it will be 4, mistake, ठीक है, तो 3/4 है, so it will be 3/4 over here, okay, अब इसका आप LCM निकाल लो, LCM क्या आएगा, 12 will be the LCM, तो इसको 12 बन कैसी से भी कर सकते हो पूरा सॉल्व, और एलसीएम आता है तो एलसीएम से कर लो, 12 बनाओ तो ऊपर 12 बनाने के लिए 3 3 9, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 2 से डिवाइड में आ जाएगा 12, सो दिस विल बी 9/12 एंड 9/12 दैट इज 3/4। तो अभी तो ए इंटरसेक्शन बी मिला, कितना मिला 3/4। चलो अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 1 माइनस 3/4, 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप सो यू अंडरस्टूड कैसे हमने ए डैश यूनियन बी डैश निकाला।
पहले हमने पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और पी ऑफ ए यूनियन बी निकाल लिया। पी ऑफ ए आया 3/10, पी ऑफ बी आया 1/2 और पी ऑफ ए यूनियन बी आया 3/4। फिर हमने हमारे यूनियन की फॉर्मूला में अप्लाई किया, तो यूनियन की फॉर्मूला में सब्जेक्ट किसको बनाया, ए इंटरसेक्शन बी को। पी ऑफ ए 3/4, पी ऑफ बी 1/2 एंड माइनस फिर हमारा ओके। अगेन सॉरी स्टूडेंट, रियली सॉरी, ठीक है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है मुझसे, आई डोंट नो व्हाई। लेट अस डू इट वंस अगेन, इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 3/10, दिस इज 1/2 एंड दिस इज 3/4। पी ऑफ ए विल बी 3/10 प्लस पी ऑफ बी विल बी 1/2 माइनस 3/4। रियली सॉरी कि ये मिस्टेक हो रही है, ठीक है, एक बार हो जाता है ना क्वेश्चन में। रिमेम्बर, देखो यहाँ से आपको एक चीज सीखने मिल रही है कि होगा आपके साथ एग्जाम में कि एक बार वो मिस्टेक हो गई ना तो बार बार वो मिस्टेक होने वाली है, तो फिर पूरा सम फिर से कर लो, ठीक है। चलो 3/10, 1/2 और 3/4, सबका एलसीएम है 20, तो इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो हो जाएगा 6, इधर 10 से तो हो जाएगा 10 माइनस इधर 5 से 15 डिवाइड बाई 20, सो आई विल गेट अबाउट 10 माइनस 15 दैट इज ओवर हियर 16 माइनस 15 1/20। अब परफेक्ट है, नाउ इट्स परफेक्टली क्लियर कि भाई पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/20 है। सो ए डैश यूनियन बी डैश क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/20 That is 19/30. Okay student, really sorry, पीछे के कुछ steps मैंने गड़बड़ कर दी थी, but अब ये perfect है। P of A, P of B, P of A union B, values डाल दी and we got the answer of A dash union B dash. Calculation के अलावा सबसे important ये था कि क्वेश्चन के स्टार्ट में ही आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि अगर हमें A dash union B dash ढूंढना है तो P of A intersection B पता होना चाहिए। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सॉल्व कर लेते हैं। ओके, टेकन स्क्रीनशॉट। चलो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन 14, अगर आप 15 आपको समझ में आ गया तो 13 14 तो एकदम इजी, एकदम पॉपुलर। क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी, पर ए इंटरसेक्शन बी तो बड़े इजीली मिलेगा ये फॉर्मूला से, बट पहले पी ऑफ बी और पी ऑफ ए ऑफ बी ढूंढ लेते हैं। चलो पहले कंपैरिजन करते हैं, इसको कंपेयर करवाते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 13, पी ऑफ बी डायरेक्ट मिल जाएगा, पी ऑफ बी 0.4, चलो ये तो बड़ी इजीली मिल गया। अब इसको कंपेयर करते हैं, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज 0.4, तो यहां से पी ऑफ ए वेन बी ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, इधर दिस 2 विल गो डिवाइड, सो 0.4 डिवाइड बाई 2 0.4, तो ये सिंपल क्वेश्चन सेक्शन बी का क्वेश्चन हो गया। पी ऑफ ए वेन बी की फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, पी ऑफ ए वेन बी इज ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, वैल्यूज पुट कर दो, आपको पी ऑफ ए वेन बी पता है, पी ऑफ बी पता है, सब कुछ पता है, देयरफॉर ओके P of A and B है 0.4, P of A intersection B आपको ढूंढना है और P of B है 0.2 and this is 0.4, so P of A intersection B 0.2 into 0.4 that is 0.08, 4 2s are 8 और 2 decimal में आपका आंसर आना चाहिए, so P of A intersection B is 0.08। हमने पहले P of B ढूंढा, फिर P of A and B ढूंढा और फिर उसकी फॉर्मूला अप्लाई कर दी, फॉर्मूला में ये 0.2 आया, ये 0.4 आया, मल्टीप्लाई किया 0.08 इज अवर आंसर। नाउ लेट अस सॉल्व लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करो कि P of A, P of B इस कंपैरिजन से ढूंढ के रखो। चलो कंपैरिजन से सिर्फ P of A और P of B ढूंढ के रखो, पी ऑफ ए और बी मिल गया तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंडीशन दी है इंडिपेंडेंट इवेंट। क्वेश्चन नंबर 14, चलो पहले कंपेयर करते हैं इसे और इसे, क्या कंपैरिजन आएगा, 3 टाइम्स पी ऑफ ए इज 0.12, तो इससे आपको क्या मिलेगा, पी ऑफ ए इज 0.12 डिवाइड बाई 3,
0.04 एंड सेकेंड कंपेरिजन आएगा 2 टाइम्स पी ऑफ बी इज 0.12। तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे यानी ये 2 डिवीजन में जाएगा 0.12 के पास, सो 0.06। तो आपको पी ऑफ ए पी ऑफ बी मिल गया। और भैया इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए हमें पता है ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब ये बहुत इजी था बट ये थोड़ा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। 0.04 इंटू 0.06, 6 4 24। हर चीज कैसे से नहीं करनी, दो डेसिमल तो आंसर में आने चाहिए 4 डेसिमल। क्लियर? तो हमने क्वेश्चन 14 भी सॉल्व कर लिया, सो इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15 ऑफ सेक्शन सी, दिस वाज लेक्चर नंबर 15। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 16 से हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 16 में। अच्छा, होमवर्क में आप लोग सिर्फ क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करना, क्योंकि सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था, सेक्शन बी में भी मैंने 15 नंबर करवाया था, वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ सेक्शन सी। सो ट्राई क्वेश्चन 17 ऑफ सेक्शन सी योरसेल्फ। कीप वर्किंग हार्ड, हैव अ ब्लेस्ड डे।